ये जोरदार ताली बजाइए। ये सुबह 5 बजे उठने लगी है, ये 9 बजे उठती थी, इनकी पोल पट्टी खोल रही हूँ मैं। तो और एक डी को मैं नहीं जानती हूँ, उनका भी स्पीच मैंने सुना। उनका प्रॉब्लम था कि उनको पेट में प्रॉब्लम रहता था, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो यहाँ पे वो जब से हेल्थ क्लब में आ रही है, उनकी वो समस्या दूर हुई है। और भी मैं यहाँ पे हर महीने सत्यादी फंक्शन करती है। जैसे उनका 1 मंथ कंप्लीट हुआ, 2nd मंथ कंप्लीट हुआ यहाँ का हेल्थ क्लब का, तो वो हर हमेशा फंक्शन करती थी। मैं उस फंक्शन में भी 1-2 बार आई हूँ। तो हर बार वो बहुत मोटिवेशन देती है महिलाओं को, और हमेशा कभी पिकनिक लेके जाना, कभी कहीं कुछ गेम्स खिलाना, और बच्चों को बच्चों की तरह एक जीना सिखा रही है सत्यादी। सारे लोगों से मैं जब मैं बात करती हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि सत्यादी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारा बचपना हमें लौटा दी। यहाँ आती है महिलाएं, जैसे कि अभी सत्यादी ने कहा कि हम लोग ऐसे ही आते हैं, हेल्थ के लिए नहीं आते हैं, इंजॉय के लिए आते हैं। तो बाकी कई महिलाएं जो फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, घरेलू कामों में व्यस्त रहती हैं, यहाँ आकर वो बहुत अच्छे से अपने आप को इंजॉय देती हैं और कुछ चीजें कुछ पल के लिए भूल जाती हैं। तो उसके लिए मैं तो बोलूंगी जितनी यहाँ समस्त महिलाएं आई हैं, उसको सभी को सत्या दीदी का, पाटिल दीदी और अरुणा का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। इतना बोल के मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। दो शब्द में मैं बस 2 लाइन गाना गाऊंगी क्योंकि ये जुम्बा क्लास क्लब है, इसलिए इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, जान लीजिए। सभी को नमस्ते, और आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से, हम लोगों की तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जितने भी अतिथिगण मेरे यहाँ आए हैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप हमारी सारनी नगरी में आए। और सारी औरतों का हेल्थ क्लब के बारे में क्या कहें, मैं तो ज़्यादा 4-5 महीने से ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं इतना रेगुलर नहीं रह पाता। लेकिन हेल्थ जैसे कहते हैं तो हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, मेंटल भी होती है। और मेंटल हेल्थ के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस बहाने हम थोड़ा बहुत एंजॉय कर पा रहे हैं। ऐसे तो हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है कि हम कुछ एंजॉय कर पाए, तो यहाँ पर हम एंजॉय भी कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो रही है। दूसरी बात, जो महिलाएं हैं, हम लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, हम सुबह से उठते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बट क्या होता है, उनको काम दिखते हैं कि पहले इनको चाय पिला दूँ, उनको ये कर दूँ, उनको वो कर दूँ, और हमारा समय चला जाता है, कुछ भी नहीं करता। इस बार हम 5 बजे उठना शुरू हो गए हैं, 5 बजे उठ के हम पर आ जाते हैं। अपने अपना जो फैमिली टाइम है वो तो फैमिली टाइम है, लेकिन हम एक्स्ट्रा टाइम में उठ के आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आई हुई सभी महिलाओं को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद, अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आप लोग आए हैं हमारे इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम अरुणा है, मैं हेल्थ क्लब में योगा एक्सरसाइज और डांस वगैरह सिखाती हूँ। और सभी महिलाएं यहाँ पर अपना मेंटली डिप्रेशन वगैरह सब दूर करती हैं यहाँ पर आके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि सब महिलाएं यहाँ पर आके इंजॉय करती हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करती हैं। धन्यवाद। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया। स्कूल में मैं बहुत लेती थी, लेकिन हेल्थ क्लब के माध्यम से आज मुझे अपना स्कूल याद आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि यहाँ आई हुई मैडम वगैरह और जितनी मेरी बहनें आई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने अमूल्य समय निकाल के यहाँ आए हैं। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना चाहती हूँ कि आप एक किसी बहाने यहाँ 5 बजे आ रहे हो उठ के, मतलब ये खुद के लिए आ रहे हो आप, है ना, आप मेंटली और फिजिकली फिट हो रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी मेरी बहनों से कि सभी लोग हेल्थ क्लब ज्वाइन करें,
और आए और यहाँ पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का जरूर मौका भी मिलेगा और तभी आए हैं। धन्यवाद। मैं रीता यादव, सभी को मेरा नमस्ते। यहाँ आने के बाद तो हम लोग को जो खुशी मिले वो आप सभी को हमारे चेहरे पे दिख रहा होगा, क्योंकि पहले बात हम अपने घरों में ही व्यस्त रहते थे। यहाँ आने के बाद हमें एक्सरसाइज भी हो रही है, थोड़ा एंजॉय भी हो रहा है। और मैं क्या कहूँ, आप सबको भी अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देना चाहिए, मैं यही कहूँगी। धन्यवाद। लोग खुश हैं, पहले ये चीज नोटिस हुआ। सबसे मेरे को अच्छा लगा, वो लोग खुश है तो कोयला निकल जाता है, मगर आप लोग खुश है तो हमारा डबल कोयला निकल जाएगा। अब आप आ जाके जीएम साहब को बोलेंगे कि आप डबल कोयला निकालिए, हमारे लेडीज लोग मस्त हैं।